ये चंपाझरण रेलवे स्टेशन है, राउरकेला से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और इधर से हम स्टेशन मास्टर से भी बात करेंगे यहाँ पे, बड़े बाबू से। बस मैं आपको स्टेशन का व्यू दिखा रहा हूँ। बात कर स्टेशन मास्टर बाबू से बात करेंगे, विनोद जी हुए। स्टेशन कितना पुराना होगा लमसम? लगभग 50 साल से ऊपर है। 50 साल से ऊपर है। और ये स्टेशन में कौन सा ट्रेन सब चलता है? अधिकांश यहाँ मालगाड़ियाँ चलती हैं, मालगाड़ी आयरन और निकलती है ना, उसको लोड करके जी डेस्टिनेशन में पहुँचाया जाता है। और पैसेंजर गाड़ी वगैरह कुछ? एक पैसेंजर ट्रेन चलती है बीरमित्रापुर से राउरकेला के लिए। ओके, सॉरी बीरमित्रापुर से बरसवा के लिए। बरसवा के लिए कितनी बार चलता है दिन में? ये सप्ताह में 6 दिन चलती है और संडे को ये रहती है, क्लोज रहती है। संडे को बंद रहता है। धन्यवाद सर। टॉयलेट का भी सुविधा है। ये लोकेशन आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत लोकेशन है और राउरकेला के लोगों के लिए अननोन है ये जगह, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर सर बताए विनोद जी कि यहाँ पे सिर्फ पैसेंजर चलता है, हफ्ते का 6 दिन चलता है, संडे को कोई ट्रेन नहीं चलता इधर से। और बेसिकली ये मालगाड़ी इधर से चलता है जो कि आयरन और स्टील प्लांट को सप्लाई करता है इधर से। यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन चलता है वो भी बीरमित्रापुर से बरसुआ के तरफ ये ट्रेन चलता है नॉर्मली। अब देख सकते हो कि अभी लॉकडाउन के लिए ट्रेन सब तो बंद है, बस कुछ मालगाड़ी खड़े हैं। चारों तरफ पहाड़ों के बीच ये स्टेशन बसा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ और जंगल है। हुआ चंपाझरण, ये हुआ चंपाझरण रेलवे स्टेशन जो कि राउरकेला में है। और हिडन स्टेशन है राउरकेला का, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो है बहुत खूबसूरत जगह पे है, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा इसको ध्यान देना चाहिए। स्टाफ क्वार्टर सर है,